भरतपुर के कामा में समर्सिबल पंप की रेट को लेकर किसान और दुकानदार के बीच बहस हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि किसान दिलीप यादव ने एक व्यापारी से 25 दिन पहले 2000 रुपए में समर्सिबल पंप खरीदा था, जो अब खराब हो गया। किसान ने इसकी जानकारी व्यापारी को दी, जिसने घर आकर दूसरा पंप ले जाने की बात कही। जब किसान व्यापारी के पास पहुंचा तो उसने 3200 रुपए और देने की बात कही, जिसे लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। जब किसान ने मनमर्जी दरों का विरोध किया तो व्यापारी गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। अब एक तरफ लॉकडाउन के बीच व्यापारी नियम कायदों के विपरीत घर से दुकान चला रहे हैं, तो जमकर लूट खसोट भी की जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। स्थानीय लोगों ने भी व्यापारी पर धारा 144 व लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि उसके घर के बाहर दिन भर कई वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी शिकायत वे प्रशासन तक कर चुके हैं।